हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई की टैब। सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर 1st ऑफ मार्च। नाउ सबसे पहले हम देखते हैं कि आज हमें कौन कौन से न्यूज़ को डिस्कस करना है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट यूनाइटेड नेशन का एक रिसेंटली रिपोर्ट आया है दैट टॉक्स अबाउट द क्लाइमेट चेंज। जो रिसेंटली रिपोर्ट आया है उसके अंदर क्या क्या न्यू चीज़ें बात की गई है हम उसके बारे में समझेंगे। नाउ दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट इट एक्चुअली टॉक्स अबाउट सम सीरियस इशूज़। जो क्लाइमेट चेंज है उसका जो मतलब इफेक्ट्स आ रहा है वो हमारे अर्थ के ऊपर काफी फास्ट हो रहा है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। सेकंड विल टॉक अबाउट रेन बॉम्ब। तो देखिए रेन बॉम्ब एक्जैक्टली कैसा फिनोमिना होता है जो कि बहुत ही रेयर होता है, बट रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया के अंदर देखा गया है। तो एक्जैक्टली पर्टिकुलर फिनोमिना क्या है और क्या क्या चीजें हमें इसके बारे में मालूम होनी चाहिए, हम हर एक चीज को प्रॉपरली समझेंगे। थर्ड विल टॉक अबाउट श्रीमंत शंकरदेव। नाउ श्रीमंत शंकरदेव जो है वो असम के एक फिलोसफर हुआ करते थे, बेसिकली एक मिस्टिक पोएट फिलोसफर हुआ करते थे जो कि मिडिवल टाइम्स में रहते थे। तो इनके बारे में हमें क्या क्या चीजें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मालूम होनी चाहिए उसको भी हम प्रॉपर्ली समझेंगे। एंड फाइनली विल टॉक अबाउट दिल्ली ने रिसेंटली अपना एक साइंस इनोवेशन हब को लॉन्च किया है। नाउ व्हाट इज द मेन एम ऑफ दिस पर्टिकुलर हब और क्यों ये इंपॉर्टेंट है हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट वन जो हमें बात करना है। टॉक्स अबाउट द यूनाइटेड नेशन का जो रिपोर्ट आया है ऑन क्लाइमेट चेंज। नाउ दिस पर्टिकुलर इमेज जो है देखिए, इट शोज द अर्थ ऑन फायर एंड दिस इज द एग्जैक्ट सेम थिंग जो कि यूनाइटेड नेशन के रिपोर्ट के अंदर रिसेंटली सिग्निफाई किया गया है दैट अर्थ लिटरली इज ऑन फायर। नाउ यूएन का जो साइंस का पैनल है, स्पेशली जो क्लाइमेट साइंस का पैनल है, उन्होंने जो रिसेंटली एक रिपोर्ट निकाला है उन्होंने उसके अंदर एक बहुत ही सिवियर वार्निंग प्रोवाइड की है, बहुत ही सिवियर वार्निंग दी है जहां पर उन्होंने बोला है कि क्लाइमेट चेंज इज नॉट द फ्यूचर। नाउ क्लाइमेट चेंज फ्यूचर नहीं है हमारा, क्लाइमेट चेंज इज द प्रेजेंट। मतलब क्लाइमेट चेंज के अंदर हम ऑफिशियली यहाँ पर एंटर कर चुके हैं, हमारा जो अर्थ है उसका ऑफिशियली क्लाइमेट चेंज होना स्टार्ट हो गया है। इट इज नॉट कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो क्लाइमेट चेंज हो जाएगा। देखिए अब हम फ्यूचर में नहीं है, अब हम क्लाइमेट चेंज राइट नाउ हमारे प्रेजेंट में हमारे साथ हो रहा है। मतलब देखिए हमारी ह्यूमैनिटी को ऑलरेडी इसने मतलब हमारी ह्यूमैनिटी के ऊपर एक और प्रॉब्लम जो है वो क्लाइमेट चेंज का ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है एंड जो हमारी ह्यूमैनिटी है इट इज नॉट रेडी। आपको ये चीज समझना होगा, ठीक है। यूनाइटेड नेशन का जो रिसेंट रिपोर्ट है दिस इज वेरी क्रेडिबल। अगर यूएन इसको निकाल रहा है इसका मतलब है दिस इज वेरी क्रेडिबल। नाउ ये रिपोर्ट ये बोलता है दैट ओवर हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन ऑलरेडी एक्सपोज हो चुकी है क्लाइमेट चेंज के इंपैक्ट्स के कारण। अगर आप मेजॉरिटी ऑफ द प्लेसेस देखेंगे जहां पे क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है वो होना ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है एंड इट हैज कॉल्ड फॉर मैसिव एक्शन। मतलब क्लाइमेट चेंज को अगर हमें रोकना है, जो भी इसके इफेक्ट्स हो रहे हैं अगर उसको रोकना है तो अभी इंस्टेंटली हमें एक्शंस लेने होंगे। वी कैन नॉट वेट फॉर 2040, वी कैन नॉट वेट फॉर 2050 एंड हम 2070 तक तो बिल्कुल वेट नहीं कर सकते। वी हैव टू टेक एक्शंस नाउ, राइट। यूएन के इस रिपोर्ट के अंदर इस चीज के ऊपर काफी ज्यादा एम्फेसिस दिया गया है। नाउ इस रिपोर्ट के अंदर एक चीज जो बोली गई है कि अगर हम इसी स्पीड से चलते रहे तो 2040 आते आते जो हमारा क्लाइमेट चेंज है दैट विल मेक आवर वर्ल्ड मोर हंग्रियर। इसका मतलब क्या है, हमारे जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसके ऊपर डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा। सेकंड, इट विल मेक आवर वर्ल्ड मोर सिकर, मतलब ज्यादा लोगों की तबीयत खराब होगी। देन इट विल बी मोर हजार्डस एंड इट विल बी मोर पुअरर। अब समझ रहे हैं एवरी सिंगल थिंग, यानी कि हमारी सोशल इकोनॉमी, जो हमारा सोशल लाइफ है, हमारा पॉलिटिकल लाइफ, हमारा इकोनॉमिक लाइफ, एवरी सिंगल लाइफ विल बी इंपैक्टेड डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। मतलब हम इससे क्लाइमेट चेंज से बिल्कुल भी बच के नहीं रह सकते। क्लाइमेट चेंज को हर एक पर्सन जो है उसको मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली इफेक्ट डेफिनेटली करेगा। नाउ इस रिपोर्ट के अंदर ये चीज मेंशन किया गया है कि अगर हमें कुछ करना है तो हमारे पास टाइम है नाउ, मतलब अभी ही हमें एक्शंस लेने होंगे बिकॉज जो हमारे पास विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है ना कुछ करने की, दैट पर्टिकुलर विंडो इज क्लोजिंग। वो बहुत ही धीरे धीरे कम होती जा रही है और विंडो बहुत ही नैरो हो रही है। उसके कारण एक्चुअली हमारे पास उतना टाइम है नहीं कि अगर हम मतलब चाहे तो हम 10 साल के बाद या फिर 20 साल के बाद क्लाइमेट चेंज को ठीक करने की कोशिश करेंगे तो उतना टाइम हमारे पास रहेगा नहीं। नाउ यूएन का जो रिसेंटली रिपोर्ट आया है, देखिए यूएन का जो रिपोर्ट आया उसको बनाने के अंदर आईपीसीसी ने भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। आप जानते हैं आईपीसीसी को इंटरकॉन्टिनेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ये एक यूनाइटेड नेशन की बॉडी है। तो आईपीसीसी ने भी इसको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इसको बनाने में और इसके अंदर यह बोला गया है कि अगर जो ह्यूमन कॉज ग्लोबल वार्मिंग है, ह्यूमन कॉज का मतलब क्या होता है एंथ्रोपोजेनिक। जस्ट रिमेंबर दिस वर्ड, द वर्ड इज एंथ्रोपोजेनिक। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब होता है ऐसा कोई भी इफेक्ट जो कि ह्यूमन के इंटरवेंशन के कारण हुआ है। तो ये जो अभी राइट नाउ जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ मतलब ह्यूमन इफेक्ट्स के कारण हो रहा है। कैसे, देखिए इंडस्ट्रीज, ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स, ये सब चीजें ऐसी हैं जो कि ह्यूमन मेड है और ह्यूमंस उसको यूज करके एक्चुअली हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ही फास्ट मतलब वार्म कर रहा है। तो बोला गया ये है कि अगर हमारी जो ह्यूमन कॉज्ड ग्लोबल वार्मिंग है अगर उसको लिमिट नहीं किया गया तो अगले कुछ मतलब सालों के अंदर हमारे जो अर्थ है उसके ऊपर बहुत सारे डेडली फायर्स आने वाले हैं, यानी कि वाइल्ड फायर्स। देन हीट, ड्रॉट एंड फ्लड, ये चार मेन प्रॉब्लम्स बोली गई हैं। चार प्रॉब्लम्स जो है काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी और इसके कारण हमारे अर्थ के ऊपर अराउंड 127 वेज के अंदर ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी विच विल बी टोटली इरिवर्सिबल। मतलब ये 127 ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी जो कि पूरी तरीके से इरिवर्सिबल होंगी, इसको हम वापस ठीक नहीं कर सकते हैं। इसलिए गवर्नमेंट को यहाँ पर स्ट्रिक्ट डिसीजंस लेने को बोला गया है। आपको इमीडिएटली एंड स्ट्रिक्टली यहाँ पर जितने भी कार्बन है उन सबको एमिट करना, आपको बंद करना होगा। यू कैन नॉट वेट फॉर 2040 नाउ। अब वो टाइम हमारा चला गया जहां पर हम अपने प्लान्स बना रहे थे, वहां हम अपने एम्स बना रहे थे दैट वी विल डू दिस बाय 2040 और 2050। वो वाला टाइम हमारा चला गया है। वी हैव टू टेक डिसीजंस नाउ। हमें आज ही सारे के सारे डिसीजंस लेने होंगे, राइट। देखिए, अगर हम डिसीजंस नहीं लेते हैं तो 2050 तक बोला गया इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के अंदर कि जो राइजिंग सी है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, मतलब सी लेवल इतना राइज हो जाएगा दैट जितने भी आइलैंड नेशंस है और जितने भी कोस्टल एरिया के जितने भी लोग हैं दे विल फेस एक्चुअली, मतलब बोला जा रहा है मोर देन 1 बिलियन पीपल दे विल फेस डायरेक्टली द रिस्क ऑफ कोस्टल फ्लडिंग का मतलब रिस्क फेस करेंगे। इसका मतलब क्या है, जस्ट सपोज इंडिया है तो दिस इज इंडिया, राइट, दिस इज इंडिया। तो ये जितना भी ये वाला पार्ट आप जितना पेनिनसुलर इंडिया देख रहे हैं दिस इज एक्चुअली एंटायर थिंग, ये कोस्टल इंडिया है। तो अगर आप कोस्टल इंडिया को समझेंगे प्रॉपर्ली तो ये कोस्टल इंडिया जितना भी है वो सी लेवल राइज से डायरेक्टली खतरे पे है। अगर सी लेवल राइज होगा तो सोचिए ये वाला जो पूरा पार्ट है ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली यहाँ पर देखिए इंपैक्ट होगा ना, ये इतना ज्यादा इंपैक्ट हो जाएगा कि इसकी पूरे का पूरा एरिया कहीं ना कहीं डूबना स्टार्ट कर देगा। सिमिलरली जितने भी पीपल हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, इकोनॉमीज है, इकोसिस्टम, एवरी सिंगल थिंग के ऊपर डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसके ऊपर इंपैक्ट पड़ने वाला है। और अगर आप यहाँ पर फाइनेंशियल रिस्क की बात करेंगे तो वी विल ग्रो इनटू ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का हम यहाँ पर घाटा होने वाला है। समझिए, अगर हम अपने पीपल को बचाएंगे, एनिमल्स को बचाएंगे, प्लांट्स, इकोनॉमीज, इकोसिस्टम, जिसको भी बचाने जाएंगे हमें उसके लिए पैसे लगेंगे। यानी कि इसका मतलब क्या है कि क्लाइमेट चेंज हो आगे आने वाले टाइम्स के अंदर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का हमें यहाँ पर घाटा करने वाला है, डैमेज मतलब कॉज करने वाला है। नाउ जब ये क्लाइमेट चेंज होगा तो उसके कारण पीपल विल बी किल्ड, मतलब पीपल की डेथ भी होगी वहाँ पे। एंड मैनी पीपल विल डाई फ्रॉम डिजीज, मैनी फ्रॉम हीट वेव्स, एयर पॉल्यूशन, एक्सट्रीम वेदर एंड इवन स्टारवेशन। यानी कि यहाँ पर हंगर क्राइसिस का भी यहाँ पर डायरेक्टली इंपैक्ट हो सकता है क्लाइमेट चेंज के होने के कारण। नाउ देखिए, हम ऑल्दो यहाँ पर लगातार फाइट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं कि हमारी ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस पर रोक दे रहे हैं। बट द पॉइंट इज, रिसेंटली रिपोर्ट के अंदर ये बोला गया है कि देखिए अगर आपने ग्लोबल वार्मिंग को किसी तरीके से 1.5 डिग्री सेल्सियस पर रोक भी दिया ना तब भी हमारी जो ह्यूमन लाइफ है, हमारा जो लाइवलीहुड है, सेफ्टी है, ये सब बिल्कुल सेफ नहीं है। स्पेशली अगर आप नॉर्थ अमेरिका वाला पार्ट देखेंगे तो वहाँ पर सी लेवल राइज काफी ज्यादा इंक्रीज ऑलरेडी हो चुका है। हरिकेन्स वहाँ पर बहुत ही सिवियरिटी उसकी इंक्रीज हो गई है, मतलब जहाँ पे टॉर्नेडोज वगैरह आते हैं, हरिकेन्स वगैरह आते हैं, उनकी जो सिवियरिटी वो काफी इंक्रीज हो गई है। सिमिलरली वहाँ पर जो स्टॉर्म्स वगैरह आते हैं उनकी सिवियरिटी इंक्रीज हो गई है। जो नॉर्थ अमेरिका का जो कोस्टल एरिया वाला पार्ट है वहां पर सी लेवल राइज होने के कारण मतलब जो जितने भी कोस्टल एरियाज हैं सब डूबना स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अपने घरों से बेघर हो गए हैं। मतलब पॉइंट इज की प्रॉब्लम ऑलरेडी इमर्ज होना स्टार्ट हो चुकी है। इट्स नॉट इन द फ्यूचर, इट्स इन द प्रेजेंट, इट्स राइट इन फ्रंट ऑफ अस। तो हमें डिसीजंस अभी लेने होंगे, राइट। देखिए, कुछ प्लेसेस बोला गया है कि इतने ज्यादा गर्म हो जाएंगे, इतने ज्यादा हॉट हो जाएंगे दैट पीपल वोंट बी एबल टू वर्क आउटसाइड, मतलब बाहर जाके जो लोग काम क्या करते थे वो काम करना मतलब कम हो जाएगा। आपको याद होगा अराउंड लास्ट मंथ हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था कि कैसे क्लाइमेट चेंज के कारण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण किस तरीके से जो हमारा प्रोडक्टिविटी है काम का वो रिड्यूस हो रहा है। उसका मेन रीजन क्या है, बिकॉज पीपल गेट टायर्ड इजिली, बिकॉज ऑफ सिवियर हीट के कारण पीपल इजिली टायर हो जाते हैं और वो प्रॉपर्ली काम नहीं कर पाते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी जो है वहाँ पे डिक्रीज हो जाती है। और उसके कारण जो स्पेशली जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो कि लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, जहाँ पर लोगों को काम करना जरूरी होता है इवन इन धूप, वो सब जितने भी सेक्टर्स हैं वो सब डायरेक्टली इंपैक्ट हो जाएंगे। एंड दैट इज वाई एग्रीकल्चर सेक्टर के इंपैक्ट होने के कारण जो हमारा स्टार्वेशन का इशू है वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, जो हमारा हंगर का इशू है और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, और जो हमारा फूड सिक्योरिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, मतलब हमारा फूड सिक्योरिटी प्रॉपर्ली रहेगा नहीं। नाउ देखिए, सबसे ज्यादा अगर आप बैडली इंपैक्टेड एरियाज की बात करेंगे, वी हैव साउथ अमेरिका, देन वी हैव सेंट्रल अमेरिका, देन वी हैव अफ्रीका, देन वी हैव साउथ एशिया। जितने भी रीजन्स हैं ये सब के सब कहीं ना कहीं, देखिए ये सब वो मतलब कंट्रीज आप मान सकते हो जो कि पुअर कंट्रीज में से एक है, और जो पुअर कंट्रीज हैं वो सब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्लाइमेट चेंज के कारण ज्यादा रिस्क के ऊपर है। इसके अलावा जो वाइल्ड फायर्स हैं, वाइल्ड फायर्स मतलब दे विल एक्चुअली इंक्रीज बाय मोर देन 35%, मतलब इतने ज्यादा वो इंक्रीज हो जाएंगे। मतलब प्रॉब्लम ऑलरेडी इतनी है हमारे पास, बट ये और ज्यादा धीरे धीरे इंक्रीज हो जाएगी। नाउ इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के ऊपर कुछ चीजों के ऊपर काफी ज्यादा फोकस किया गया है। नाउ वन ऑफ द फोकस एरियाज वाज कि किस तरीके से हमारी सोसाइटी, किस तरीके से हमारा नेचर, किस तरीके से उसको हार्म हो रहा है और हम क्या कर सकते हैं अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को अडेप्ट करने के लिए, क्लाइमेट चेंज के साथ इससे बचने के लिए। नाउ इस रिपोर्ट के अंदर कुछ चीजों को हाईलाइट किया गया, जैसे बोला गया है कि कुछ प्लेसेस ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी इनहैबिटेबल बन रहे हैं, मतलब जहां पे लोग रह नहीं सकते बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम टेम्परेचर। वहां का टेम्परेचर मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो चुका है, मतलब इतना ज्यादा टेम्परेचर वहां पर इंक्रीज हो चुका है। स्पेशली राजस्थान का कुछ एरिया है, सहारा कुछ एरिया है, जहां पर टेम्परेचर ऑलरेडी काफी ज्यादा राइज होना स्टार्ट हो गया है। देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जहां मतलब जिनको अपने घरों से भागना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। आप जानते हैं उनको बेसिकली क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है क्लाइमेट बेसिकली माइग्रेंट्स, क्लाइमेट माइग्रेंट्स बोला जाता है उनको, ठीक है। तो क्लाइमेट माइग्रेंट्स वो होते हैं जो कि क्लाइमेट चेंज के कारण अपने घरों से भाग रहे हैं। थर्ड इज कोरल रीफ बहुत जगहों पर डिसअपियर हो रहा है। कोरल रीफ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे इकोसिस्टम का, कोरल रीफ का डिसअपियर होना दैट इज नॉट गुड एक्चुअली। नेक्स्ट इज बहुत सारी स्पीसीज ऐसी हैं, बहुत सारी ऐसे एनिमल्स, प्लांट्स, बर्ड्स ऐसे हैं जो कि लगातार खत्म हो रही है, एक्सटिंक्ट हो रही है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट इज आइस लगातार श्रिंक हो रहा है, आइस लगातार जो मेल्ट होकर मतलब उसके अंदर ओशन के अंदर जा रहा है, उसके कारण जो राइजिंग है मतलब जो राइजिंग सी लेवल है वो भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। सिमिलरली जो एसिडिक पार्ट है मतलब जो ओशन के अंदर जो एसिडिटी है वो भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो रही है, जो ओशन है उसके अंदर जो ऑक्सीजन था ऑक्सीजन का अमाउंट यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है। इतनी सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर हो रही है एंड इन सबका रीजन एक ही है दैट इज क्लाइमेट चेंज। नाउ क्लाइमेट चेंज को अगर बहुत जल्दी रोका नहीं गया तो हो सकता है कि प्रॉब्लम और ज्यादा इमर्ज हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के अंदर फॉर द फर्स्ट टाइम यहाँ पर जो आज की जनरेशन के बच्चे हैं उन बच्चों के बारे में बात की गई है। बोला गया है आज जो बच्चे पैदा हो रहे हैं एंड दोज पीपल हु विल बी एबल टू लिव अराउंड 80 इयर्स जो कि 2100 तक रहेंगे। नाउ इन बच्चों को यू नो इतना ज़्यादा हीट एक्सट्रीम्स फेस करना होगा, उनको इतना ज़्यादा क्लाइमेट एक्सट्रीम्स फेस करना होगा दैट बोला जा रहा है कि अभी राइट नाउ जिस भी टेम्परेचर के अंदर वो रह रहे हैं उनसे लगभग 4 टाइम्स ज़्यादा उनको क्लाइमेट का एक्सट्रीमिटीज उनको फेस करना होगा। मतलब उनसे 4 गुना ज़्यादा बारिश आएगी, 4 गुना ज़्यादा हीट वेव्स आएंगे। मतलब प्रॉब्लम है कि प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। एंड किसी तरीके से अगर ये टेम्परेचर यहाँ पर हम टेम्परेचर राइज को रोकते नहीं है एंड इट ग्रोज टू अराउंड 2 डिग्री सेल्सियस, अगर हमारा टेम्परेचर राइज 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया तो हमारी प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाएगी। जहाँ पर बोला गया है जो हमारा स्टॉर्म्स वगैरह है, जो हमारे हीट वेव्स है, जो रेनफॉल है दैट विल इंक्रीज बाय मोर देन 5 टाइम्स। मतलब एक्सट्रीमिटीज जो है वो ऑलमोस्ट 5 गुना यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी। फ्लड्स हो गए, हीट वेव्स हो गए, ड्रॉट्स हो गए, एवरी सिंगल थिंग विल इंक्रीज। उसके कारण हम लोग यहाँ पर प्रॉपरली रह नहीं पाएंगे। रिपोर्ट ये बोलता है, रिपोर्ट के लगातार इस चीज़ के ऊपर एम्फसाइज करता है दैट एक्शन इज रिक्वायर्ड एंड द एक्शन इज रिक्वायर्ड राइट नाउ। हमें डिसीजंस अभी लेने होंगे। नेक्स्ट चीज, अगर हमें क्लाइमेट चेंज को के इफेक्ट्स को लिमिट करना है तो हर एक नेशन को साथ आकर यहाँ पर कोहेरेंट डिसीजंस लेने होंगे, सबको साथ में डिसीजन लेने होंगे और बहुत ही जल्दी लेने होंगे। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम पूरी तरीके से अनअवॉइडेबल निकल चुकी है। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, जैसे राइजिंग सी लेवल है, हम कुछ भी कर ले वो चेंज नहीं कर सकते हैं। बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको अभी भी हम अगर हम काम करें तो उसके वर्स्ट से बच सकते हैं। जैसे वाइल्ड फायर्स है, वाइल्ड फायर के ऊपर अगर हम अभी से काम करें, अगर हम प्लांटेशन और ज़्यादा इंक्रीज कर दें, अभी अफॉरेस्टेशन इंक्रीज करते हैं तो हम आगे जाकर जो वाइल्ड फायर का वाइल्ड फायर का इशू है उसको हम धीरे धीरे डिक्रीज कर सकते हैं। तो ये वो चीजें हैं जो कि रिपोर्ट के अंदर डायरेक्टली मेंशन थी, जो बताई गई थी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम फैक्ट्स अबाउट आईपीसीसी यानी कि इंटर पैनल जो यहाँ पर इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट रिमेंबर कि यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी है और यूएन के अंदर ही रहकर काम करती है। थर्ड चीज, इसका मेन काम ये है कि क्लाइमेट चेंज के लिए ही काम करती है सिर्फ, और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जितना भी हमारा नॉलेज वगैरह है उन सबको एडवांस करने में काफी हेल्प करती है। नाउ आईपीसीसी के साथ साथ में देयर इज अ बॉडी कॉल्ड एज डब्ल्यूएमओ यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, और साथ में वी हैव यूएनईपी यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, ये सब के सब साथ में मिलकर काम करती है। नाउ देखिए यूएनईपी जो है, डब्ल्यूएमओ जो है, दोनों को 1988 में बनाया गया था बाय यूएन जनरल असेंबली के साथ में उसको बनाया गया था। बेसिकली मतलब यूएन जनरल असेंबली के अंदर इसको रेटिफाई किया गया था, इसको बनाया गया था। और राइट नाउ आईपीसीसी के अंदर मोर देन 195 मेंबर्स ऑलरेडी प्रेजेंट है। उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर प्रेजेंट है। ये था हमारा फर्स्ट यूएन का रिपोर्ट क्या आया हुआ है क्लाइमेट चेंज के बारे में। आई होप आपको ये चीज प्रॉपर्ली समझ आ गई। नाउ सेकंड टॉपिक जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और शायद ये आपको ये एक न्यू चीज सीखने को मिलेगी। वेर विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एक्जैक्टली रेन बॉम्ब क्या होता है। ठीक है, रेन बॉम्ब देखिए, इस इमेज को ध्यान से देखिए, इस इमेज को ध्यान से देखेंगे तो शायद आपको ये चीज प्रॉपर्ली समझ आ जाएगी। नाउ लेट मी ट्राई एंड एक्सप्लेन कि एक्जैक्टली रेन बॉम्ब क्या होता है। देखिए एक चीज आपको पता है कि हमारे अर्थ के ऊपर बहुत सारे एक्सट्रीम टाइप के मेट्रोलॉजिकल इवेंट्स ऑलरेडी होते रहते हैं, मतलब वेदर फिनोमेना होते रहते हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसका हमारे पास 100% आंसर नहीं है। उनमें से एक चीज जो है वो है रेन बॉम्ब। रेन बॉम्ब को माइक्रोबर्स्ट भी बोलते हैं। माइक्रोबर्स्ट मतलब माइक्रो मींस छोटा, बर्स्ट मतलब बहुत सारा चीज जब एक साथ ऊपर से नीचे गिरता है दैट इज कॉल्ड एज अ बर्स्ट। तो एक बहुत ही छोटे समय के लिए एक बर्स्ट जो होता है जहां पर बहुत सारा पानी आइस के पैलेट से सब नीचे गिरते हैं दैट थिंग इज कॉल्ड एज अ माइक्रोबर्स्ट। उसी को यहां पर रेन बॉम्ब बोला जाता है। नाउ देखिए अभी आपको ग्रेजुअली समझ आ जाएगा बट यू मस्ट अंडरस्टैंड कि रेन बॉम्ब जो होते हैं बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है इन नेचर और उसको शॉर्ट में वेट माइक्रोबर्स्ट भी बोला जाता है। नाउ देखिए वेट माइक्रोबर्स्ट को आपको समझ के मतलब इस वर्ड को देखकर आप ये चीज तो समझ गए कि ये 2 टाइप का होता है माइक्रोबर्स्ट, वन इज वेट एंड वन इज ड्राई। ठीक है, तो जो ड्राई होता है वो उतना ज्यादा खतरनाक नहीं होता बट जो वेट होता है दैट इज वेरी वेरी डेंजरस। नाउ कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट ये है कि रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया का एक जो ब्रिस्बेन नाम का प्लेस है, ब्रिस्बेन के अंदर देयर इज अ प्लेस कॉल्ड एज क्वींसलैंड। देखिए दिस इज ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, दिस इज ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का जो ये वाला पार्ट है ना दिस इज क्वींसलैंड। ठीक है, ये वाला पार्ट क्वींसलैंड है। यहीं पर रिसेंटली रेन बॉम्ब का फिनोमिना आया जिसके कारण बहुत सारा फ्लड फ्लैट्स आ गया। फ्लड फ्लैट मतलब अचानक से फ्लड्स आ गए बहुत सारे एरियाज के अंदर जहां पर अभी तक बिल्कुल नॉर्मल से लाइफ चल रही थी वहां पर अचानक से फ्लड्स आ गए। समझते हैं और रेन बॉम्ब समझाने से पहले मैं आपको माइक्रोबर्स्ट समझाता हूँ। देखिए पहले मैं आपको थोड़े से इमेज के फॉर्म में समझाता हूँ देन यू विल इजीली अंडरस्टैंड। होता क्या है कि जब यहाँ पर जमीन गर्म होती है, जब जमीन यहाँ पर वार्म हो जाती है तो क्या होता है एयर हमेशा धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठना स्टार्ट हो जाता है। नाउ अलॉन्ग विद एयर क्या होता है वाटर वेपर्स वगैरह जो होते हैं वो सब यहाँ पर धीरे धीरे ऊपर उठना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, नाउ देखिए वाटर वेपर्स वगैरह ऊपर उठते हैं एक पर्टिकुलर लिमिट के ऊपर जाने के बाद ये पर्टिकुलर जो वाटर वेपर्स वगैरह होते हैं वो धीरे धीरे कोल्डर रीजन्स में जाते हैं। उसके कारण ये वाटर जो है वाटर वेपर जो है वो वाटर ड्रॉप्स का फॉर्म मतलब फॉर्म बना लेते हैं। ठीक है, मतलब वाटर फॉर्म बन जाते हैं यानी कि नीचे वाटर वेपर थे यानी कि गैसेस के फॉर्म में थे, गैस के फॉर्म में थे, ऊपर जाते हैं तो वो मतलब लिक्विड के फॉर्म में हो जाते हैं। सिमिलरली जब ये थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं लिक्विड से ऊपर जाते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है ये वाटर जो ड्रॉप्स होते हैं वो आइस का फॉर्म ले लेते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल टॉप वाला पार्ट में यहाँ पर है। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर प्रेजेंट है और दे आर इन द फॉर्म ऑफ आइस, मतलब मान लीजिए कि आइस के फॉर्म में प्रेजेंट है। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि एक पर्टिकुलर कभी कभी ऐसा होता है कि देखिए इस टाइप का ये यहाँ पर स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है और बहुत सारा हवा जब ऊपर जाता है तो क्या होता है देखिए जब ये हवा सब कुछ ऊपर जाता है ना दैट थिंग इज कॉल्ड एज अपबर्स्ट। ठीक है, नाम ध्यान रखिएगा अपबर्स्ट। तो अपबर्स्ट का मतलब है कोई जो बहुत सारी चीजें एक साथ ऊपर जा रही हैं तो ये बहुत सारा हवा ऊपर जाता है, हवा के साथ में वाटर वेपर भी जाता है, वाटर वेपर जब ऊपर जाता है तो धीरे धीरे वाटर ड्रॉपलेट्स में मतलब कन्वर्ट होता है और धीरे धीरे फिर और ज्यादा कंडेंस होकर होकर, मतलब सॉलिडिफाई होकर, वो वाटर का पैलेट्स बना लेता है, यानी कि आइस के पैलेट्स वगैरह फॉर्म कर लेता है। नाउ व्हाट हैपेंस वाज, धीरे धीरे एक टाइम के बाद ये जो जमीन है जो गर्म थी वो मतलब जमीन कंपैरेटिवली वार्म होना बंद हो जाती है और धीरे धीरे वो फिर से ठंडी हो जाती है, कोल्ड हो जाती है। ठीक है, अब जमीन के कोल्ड होने के कारण क्या होता है, ये जो नीचे यहाँ पे लो प्रेशर बना होता है जिसके कारण सारा का सारा ऊपर जा रहा था, वो लो प्रेशर यहाँ पे टूट जाता है और उसके कारण ये जितनी भी चीजें जो यहाँ पर ऊपर फॉर्म हुई थी वो एक साथ यहाँ पे धड़ाम से नीचे गिरती है। ठीक है, फिर से एक बार समझिए, जितनी भी चीजें ऊपर फॉर्म हुई थी जैसे आइस हो गया, वाटर हो गया, वाटर ड्रॉपलेट्स हो गए, जो भी चीजें ऊपर होंगी वो सब के सब एक साथ यहाँ पर जमीन पे नीचे गिरती है। नाउ जहां पर वो गिरती है ना, जिस पर्टिकुलर प्लेस पे गिरती है, इसी पर्टिकुलर फिनोमिना को इट इज सेड यहाँ पर माइक्रोबर्स्ट आया हुआ है, या फिर सिंपल वर्ड्स में यहाँ पर रेन बॉम्ब आया। ठीक है, रेन बॉम्ब। देखिए इस चीज को समझाने से पहले इस इमेज को ध्यान से देखिए, मैंने आपको जो बताया सेम चीज इसको फिर से अप्लाई कीजिए। देखिए स्टार्टिंग में क्या होता है, इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर यहाँ पर पहले अपबर्स्ट होता है। ठीक है, हवा यहाँ पर धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाती है और ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं यहाँ पर कंपैरेटिवली हवा जो है फिर से यहाँ पर वो होना स्टार्ट होती है, मतलब यहाँ पे वार्म होती है, धीरे धीरे ऊपर जाकर कोल्ड होना स्टार्ट होती है। कोल्ड होने के कारण क्या होता है, वाटर जो होता है वाटर ड्रॉपलेट्स के अंदर फॉर्म होता है, वाटर वेपर के अंदर वो फॉर्म होता है, देन वो आइस के अंदर फॉर्म हो जाता है। धीरे धीरे जो यहाँ का जो यहाँ पे जो जमीन गर्म होती है वो जमीन की गर्मी खत्म हो जाती है, उसके कारण धीरे धीरे लो प्रेशर टूटना स्टार्ट होता है और ये चीज धीरे धीरे नीचे आनी स्टार्ट होती है। Now, ये चीजें जब धीरे धीरे नीचे आनी स्टार्ट होती है ना, तो एक ऐसा टाइम आता है जहां पर ये सारा का सारा जितना भी आइस वगैरह था, जितना भी वाटर ड्रॉपलेट्स था, वो एक साथ जमीन के ऊपर नीचे गिरता है। एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज रेन बॉम्ब। आई होप आपको एक्जैक्टली टेक्निकल टर्म्स में समझ आया कि रेन बॉम्ब क्या होता है। नाउ अब समझते हैं माइक्रोबर्स्ट क्या है। देखिए माइक्रोबर्स्ट वही रेन बर्स्ट है जहां पर एक स्मॉल सिंकिंग ऑफ रेन जो एयर है बेसिकली वो एक साथ नीचे की तरफ आता है अलॉन्ग विद अ थंडरस्टॉर्म। जस्ट रिमेंबर कि जहां पर भी ये माइक्रोबर्स्ट आएगा, यानी कि जहां पर भी रेन बॉम्ब आता है वहां पर पहले थंडरस्टॉर्म आता है और थंडरस्टॉर्म के साथ ही ये पर्टिकुलर रेन बॉम्ब जो है हमेशा आता है। नाउ एक चीज हमें पता है कि सोचिए जब बहुत सारा आइस, बहुत सारा वाटर एक साथ अगर जमीन पे नीचे गिरेगा, दैट कैन ऑब्वियसली कॉज सिग्निफिकेंट डैमेज। तो ये बहुत सारा सर्फेस डैमेज कर सकता है, यहाँ तक कि लाइफ एंड प्रॉपर्टी का भी डैमेज कर सकता है, मतलब लोगों को मार भी सकता है। ठीक है, तो हम एक चीज समझ गए कि जो माइक्रोबर्स्ट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, वन इज वेट एंड वन इज ड्राई। जो ड्राई वाला होता है उसमें हवा एक साथ नीचे आता है, मतलब अचानक से नीचे आता है, बट जो वेट वाला होता है उसमें क्या होता है, एक साथ अचानक से यहाँ पर वाटर के ड्रॉपलेट्स, आइस वाले ड्रॉपलेट्स, ये सब अचानक से नीचे आते हैं। तो इसलिए बोला जाता है कि जो वेट माइक्रोबर्स्ट होते हैं इसके अंदर हमेशा दे आर अकम्पनीड बाय अ लॉट ऑफ रेन, बहुत सारा बारिश वगैरह इसमें एक साथ आता है, उसके कारण यहाँ पर जहां पर भी वो चीज गिरती है वहां पर जो पोटेंशियल डैमेज जो होता है वो काफी ज्यादा इंक्रीज होता है। The question comes कि what is the main cause of this microburst? Exactly reason क्या होता है? The reason is the formation of thunderstorm और उसके बाद धीरे धीरे upgrading होना, मतलब upwelling जो होता है, upbursting होता है, उसके कारण देखिए ये जो यहाँ पर updraft लिखा हुआ है, updraft word यूज किया गया है, इस updraft के कारण क्या होता है, कभी कभी बहुत सारे मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, बहुत सारे हेल स्टॉर्म्स, ये सब धीरे धीरे ऊपर चले जाते हैं। ऊपर जाने के कारण क्या होता है, वो ऊपर जाने के कारण कूलिंग होती है, कूलिंग के कारण इवेपोरेशन होता है, उसके कारण वो सब फ्रीज हो जाते हैं और फ्रीज होने के कारण क्या होता है, जब नीचे वाला लो प्रेशर टूटता है तो सबका सब नीचे गिरते हैं। नीचे गिरने के कारण क्या होता है, वहां पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर जाती है because they are not able to hold it। उसके कारण सारा का सारा वो रेनफॉल जो है वो सबका सब नीचे की तरफ गिर जाता है। ठीक है, it falls to the ground और यही मतलब ग्राउंड पे गिरने के कारण it spreads in all the directions और जैसे ही वो टूटता है उसके आसपास का पूरा एरिया पूरी तरीके से डैमेज हो जाता है। तो देखिए जिस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर वो माइक्रोबर्स्ट इनिशियली हिट होगा, आप सोचिए कितना ज्यादा फोर्स एक बार में नीचे की तरफ आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर जो विंड का स्पीड है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है और उसके कारण डैमेज जो है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। इसी कारण जो माइक्रोबर्स्ट है उनकी विंड स्पीड मानी जाती है कि मोर देन 100 माइल्स पर आवर होती है। तो इस पर्टिकुलर स्पीड से अगर कोई चीज नीचे गिरेगा तो ऑब्वियसली इट कैन डैमेज एनीथिंग, इंक्लूडिंग एक हाउस, इंक्लूडिंग एक पैलेस, किसी भी चीज को यहाँ पर पूरी तरीके से तोड़ सकता है। इसे कारण देखा जाता है कि रिसेंटली जो ब्रिस्बेन वाला पार्ट है वहां पर पूरे के पूरे होम्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, आसपास के जितने भी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर थे वो सब के सब डिस्ट्रॉय हो गए। एंड यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उन्होंने ये रिसेंटली एक इन्फॉर्मेशन दिया है जहां पर ये बोला है कि इस पर्टिकुलर ब्रिस्बेन के बाद, यानी कि जो क्वींसलैंड नाम का प्लेस है, उसके बाद अब सिडनी जो है ऑस्ट्रेलिया के अंदर वो भी इस पर्टिकुलर रेन बॉम्ब है उसके खतरे पे है। मतलब उन्होंने एक वार्निंग दिया है कि हो सकता है कि रेन बॉम्ब अगले 2 दिन के अंदर यहाँ पर भी आएगा, सिडनी के अंदर भी आएगा। Remember, this is extremely life threatening। और क्यों है life threatening वो आप समझ गए आई होप, बिकॉज बहुत सारा रेन, बहुत सारा वाटर, बहुत सारा आइस जो एक साथ नीचे गिरता है उसके कारण जहां पर भी वो गिरता है वहां पर बहुत ही सीवियर डैमेज कॉज कर देता है। ये था हमारा सेकंड टॉपिक, आई होप आपको चीज प्रॉपर्ली समझ आ गई। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। यहां हम बात करने वाले हैं श्रीमंत शंकर देव के बारे में। देखिए नाम सबको पता, मतलब मालूम चल रहा होगा कि ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी। न्यूज क्या है, कॉन्टेक्स्ट ये है कि देखिए असम का जो गवर्नमेंट है उन्होंने रिसेंटली नामघर्स बनाने स्टार्ट किए। व्हाट इज नामघर्स? जस्ट रिमेंबर कि नामघर्स जो होते हैं वो वैष्णवाइट्स जो होते हैं उनके मोनेस्ट्रीज होते हैं। ठीक है, वैष्णवाइट्स कौन होते हैं? वो लोग जो कि विष्णु की पूजा करते हैं, लॉर्ड विष्णु की पूजा करते हैं, दे आर कॉल्ड एज वैष्णवाइट्स। और वैष्णवाइट्स के मोनेस्ट्रीज, मोनेस्ट्री का मतलब क्या होता है, एक ऐसा प्लेस जहां पर संत महात्मा रुकते हैं। ठीक है, बेसिकली एक ऐसा प्लेस, आप उसे सराय समझ सकते हैं सिंपल वर्ड में। ठीक है, सराय होता है एक ऐसा जहां पर बहुत सारे संत लोग रहते हैं। तो बहुत सारे ऐसे नामघर्स बना रहा है असम गवर्नमेंट। जस्ट रिमेंबर कि कौन सा गवर्नमेंट बना रहा है, तो असम गवर्नमेंट बना रहा है। नाउ दिस पर्टिकुलर नामघर जो बना रहा है, दिस इज इन द रिकॉग्निशन ऑफ श्रीमंत शंकर देव। नाउ देखिए माना जाता है कि 15th सेंचुरी एडी के अंदर ये श्रीमंत शंकर देव जो है असम के पार्ट्स के अंदर रहते थे एंड ही स्टार्टेड हिज जर्नी। उन्होंने असम के अंदर एक देयर इज अ प्लेस कॉल्ड एज बतद्रव, ठीक है, बतद्रव से उन्होंने चलना स्टार्ट किया एंड ही स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के अंदर देयर इज अ प्लेस कॉल्ड एज कूच बिहार, ठीक है। सो बतद्रव जो कि असम के अंदर प्रेजेंट है, वहां से उन्होंने ट्रैवल करते करते कूच बिहार पहुंचे, वेस्ट बंगाल के अंदर पहुंचे और जिस जिस एरिया के अंदर उन्होंने कम से कम एक रात समय बिताया था ना, जहां जहां पे वो रुके थे, उन सारे सारे एरियाज के अंदर असम गवर्नमेंट यहाँ पर नामघर बनवा रही है। आई होप आप समझ गए। श्रीमंत शंकरदेव जब असम से निकल के वेस्ट बंगाल जा रहे थे तो जिस जिस एरिया पे वो रुके थे, मतलब एटलीस्ट एक रात के लिए वो जहां जहां रुके थे, किस किस एरिया पे, उन सारे के सारे एरियाज के ऊपर नामघर बनवाए जा रहे हैं, ताकि उन एरियाज के अंदर जो संत महात्मा लोग हैं, जो बाकी जो संत महात्मा असम गवर्नमेंट मतलब चाहती है कि जो वैष्णवाइट्स के मतलब जो वैष्णवाइट लोग हैं वो लोग, उनके लिए मोनास्ट्री बनवाई जाए ताकि वो लोग उसके अंदर विश्राम कर सके, आराम कर सके। तो आप समझ गए। इसके अलावा असम गवर्नमेंट ने इन सारे एरियाज को, मतलब जितने भी ये प्लेसेस होंगे, जितने जहां जहां पे नामघर्ष होंगे, उन सबको पिलग्रिम्स की तरह डेवलप करने का बात किया है और बोला गया कि जितने भी पिलग्रिम्स होंगे उनको एक स्पेशल बस सर्विस से सबको वो किया जाएगा, कनेक्ट किया जाएगा, ताकि एक पर्सन जो चाहे तो एक साथ सारे के सारे जितने भी प्लेसेस हैं उन सबके दर्शन किया जा सके, ठीक है। नाउ दिस पर्टिकुलर थिंग वाज डिसाइडेड एट एक टाइप का संघ होता है, मतलब देयर इज एक्चुअली अ संघ कॉल्ड एज श्रीमंत शंकरदेव संघ। संघ का मतलब होता है एक ग्रुप ऑफ पीपल जहां पर एक साथ आते हैं, बातचीत करते हैं। नाउ देयर इज अ प्लेस कॉल्ड एज नाहरकटिया। नाहरकटिया जो है डिब्रूगढ़ के अंदर प्रेजेंट है, जो असम के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो असम के अंदर देयर इज अ प्लेस कॉल्ड एज डिब्रूगढ़, यहीं पर एक टाइप का संघ होता है, यहाँ पे मीटिंग होती है। उसी मीटिंग के अंदर डिसाइड किया गया था कि श्रीमंत शंकरदेव के मतलब रिकॉग्निशन के अंदर ये जितने भी यहाँ पर नामघर से सबके सब यहाँ पर असम के अंदर बनाए जाएंगे। गवर्नमेंट ने बोला है कि टोटल 6 करोड़ रुपए यहाँ पर हम श्रीमंत शंकर यूनिवर्सिटी को भी प्रोवाइड करेंगे, मतलब श्रीमंत शंकरदेव के नाम पर यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी भी प्रेजेंट है, उस यूनिवर्सिटी को 6 करोड़ रुपए दिए जाएंगे ताकि इस यूनिवर्सिटी को और ज्यादा डेवलप कर सके। इसके अलावा हर नामघर बनाने के लिए टोटल 1 करोड़ रुपए दिया जाएगा ताकि उस नामघर को प्रॉपर्ली डेवलप किया जा सके और जितने भी वैष्णवाइट्स लोग वहां पर जाएंगे उनको किसी भी टाइप की तकलीफ वगैरह ना हो। नाउ इनके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देखते हैं। जो श्रीमंत शंकरदेव थे वो 15th सेंचुरी के मतलब 15th और 16th सेंचुरी के एक असमीज पॉलीमैथ थे। व्हाट इज अ पॉलीमैथ? पॉलीमैथ एक ऐसे पर्सन को बोलते हैं जिनको सब आता है, मतलब एक ऐसा पर्सन जो कि काफी ज्ञानी होते हैं, उनको पॉलीमैथ बोला जाता है, ठीक है। तो इस 15वीं और 16वीं सेंचुरी के अंदर प्रेजेंट थे, असम के अंदर प्रेजेंट थे और ये एक टाइप के प्लेराइट थे, एक म्यूजिशियन थे, एक पोएट थे, डांसर थे, एक्टर थे, आर्टिस्ट थे और साथ ही साथ ये सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर थे। आपको याद होगा इस साल के प्रीलिम्स के अंदर भी एक ऐसे नेम पूछा गया एंड देयर इज अ क्वेश्चन कि एग्जैक्टली क्या थे। सिमिलरली एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि श्रीमंत शंकरदेव क्या थे, तो आपको ध्यान रखना है ही वाज आल्सो प्ले राइटर, म्यूजिशियन, पोएट, डांसर, जो एक्टर, ये सब के सभी लोग थे, मतलब ये काफी कुछ लिखते भी थे, काफी कुछ गाते भी थे। नाउ इन्होंने जो ज्यादातर जो चीजें लिखी है दैट इज फ्रॉम कल्चर एंड रिलीजियस हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जो श्रीमंत शंकरदेव है उन्होंने अपने पास्ट के कल्चर रेलिक्स वगैरह थे। रेलिक्स वो चीजें होती हैं जो कि आपकी यादें होती हैं, मतलब पिछले जनरेशन की जो यादें होती हैं दे आर कॉल्ड एज रेलिक्स। सो जो उनकी कल्चरल रेलिक्स वगैरह थे उसको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। सिमिलरली देखिए पास्ट को तो इंपॉर्टेंस देते ही थे, बट साथ ही साथ जो प्रेजेंट है, यानी कि जो प्रेजेंट में जो जितने भी थिएटिकल परफॉर्मेंस वगैरह है उनको भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, वो उनको भी काफी ज्यादा डाइवर्स करने की कोशिश करते थे। नाउ आपको एक चीज समझना है, ही फॉर्म्ड वन टाइप ऑफ डांस, मतलब एक टाइप का जो देखिए डांस, ड्रामा, ये सब उन्होंने काफी ज्यादा यहाँ पर फॉर्म किया। देखिए उन्होंने टोटल 4 चीजें फॉर्म की। ही हैज फॉर्म्ड अ लैंग्वेज। आपने ब्रजवली के बारे में सुना होगा, दिस ब्रजवली इज स्पोकन इन असम। नाउ दिस ब्रजवली लैंग्वेज जो ही वाज एक्चुअली मतलब इट वाज एक्चुअली डेवलप्ड बाय श्रीमंत शंकरदेव। एक टाइप का डायलेक्टिक्स है, मतलब एक टाइप का डायलेक्ट है, ये डायलेक्ट होता है जो कि चीज बोली जाती है, लैंग्वेज होता है जो कि लिखा और जो विच इज रेड एंड विच इज रिटन, बट जो डायलेक्ट होता है, डायलेक्ट ऐसी चीज होती है जो कि बोली जाती है, ठीक है। तो देखिए जो ब्रजवली जो कि बोली जाती है ना, दैट पर्टिकुलर बोली वाज स्टार्टेड बाय श्रीमंत शंकरदेव। सिमिलरली देयर वाज अ फॉर्म ऑफ म्यूजिक बोलते हैं बोरगीत को। नाउ यू मस्ट रिमेंबर कि बोरगीत जो है वो असम के अंदर गाया जाता है एंड इट वाज एक्चुअली स्टार्टेड बाय श्रीमंत शंकरदेव। थर्ड चीज, ही ऑल्सो स्टार्टेड अ डांस फॉर्म। नाउ दिस डांस फॉर्म इज कॉल्ड एज सत्रिया। मैं आपको भी थोड़ी देर में दिखाऊंगा सत्रिया क्या होता है। नाउ आपको ध्यान रखना है सत्रिया नाम का जो डांस फॉर्म है वो यहाँ पर पहली बार तो असम के अंदर पाया जाता है, सॉरी असम के अंदर किया जाता है, और इसके अलावा इट वाज एक्चुअली स्टार्टेड बाय श्रीमंत शंकरदेव। एंड फोर्थ चीज, ही ऑल्सो स्टार्टेड अ ड्रामा, मतलब एक ऐसा प्ले वगैरह उन्होंने स्टार्ट किया जिसका नाम है अंकिया नाट। अंकिया नाट को भावना भी बोलते हैं, भावना, जस्ट रिमेंबर। तो मैंने आपको बताया पीछे ही वाज आल्सो डांसर थे, तो उन्होंने यहाँ पर सत्रिया स्टार्ट किया। साथ ही साथ ही वाज आल्सो प्ले राइटर और साथ ही साथ वो एक्टर भी थे। प्ले राइटर और एक्टर होने के कारण उन्होंने एक टाइप का ड्रामा यहाँ पे डेवलप किया, दैट वाज कॉल्ड एज अंकिया नाट, या फिर उसे भावना भी बोलते हैं। सिमिलरली ही वाज आल्सो पोएट, ही वाज आल्सो आर्टिस्ट, उसके कारण उन्होंने एक लैंग्वेज पूरी लैंग्वेज भी डेवलप कर दी। तो आप समझ रहे हैं कि ही वाज एक ऐसा पर्सन जो कि बहुत ही मल्टी डाइवर्स पर्सन थे। नाउ इस पर्टिकुलर इमेज को देखिए, दिस इज एक्चुअली अ एग्जांपल ऑफ भावना, ठीक है। भावना को यहाँ पर अंकिया नाट बोलते हैं एंड दिस अंकिया नाट इज एक्चुअली प्रैक्टिस इन असम ओनली, ठीक है। असम के अंदर और असम के आसपास पाए जाते हैं, बट असम के अंदर बेसिकली देखिए आप देख सकते हैं दिस इज अ पर्टिकुलर इमेज जिसके अंदर एक प्ले हो रहा है, एक प्ले या फिर एक ड्रामा हो रहा है जहां पर डिफरेंट लोग जो है वो अलग अलग उन्होंने भगवान का रूप लिया हुआ है। इसका मतलब क्या है, दिस पर्टिकुलर थिंग एक्चुअली ये जो ये पर्टिकुलर जो ये ड्रामा होता है ये एक्चुअली रिलीजियस ड्रामा होता है, ठीक है। जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग। ऑलराइट, ये हो गया अंकिया नाट। नाउ सेकंड समझते हैं सत्रिया डांस के बारे में। मैंने आपको बताया जो श्रीमंत शंकरदेव थे उन्होंने सत्रिया नाम का एक डांस यहां पर स्टार्ट किया, दैट पर्टिकुलर डांस इज एक्चुअली डन इन असम। असम के अंदर जो चीज किया जाता है, दिस पर्टिकुलर डांस के अंदर मैन प्लस वुमेन दोनों ही करते हैं। दिस पर्टिकुलर डांस फॉर्म इज ऑल्सो डन ऑन रिलीजियस प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, दिस इज अ छोटा सा क्लिप, मतलब एक टाइप का इमेज है, दैट इज फ्रॉम अ सत्रिय डांस फॉर्म। तो सत्रिय डांस कहाँ पे फॉर्म किया जाता है? असम के अंदर। नाउ यहाँ पर एक छोटा सा आपको इन्फॉर्मेशन मालूम होना चाहिए। नाउ देयर आर टोटल 8 क्लासिकल डांसेस इन इंडिया राइट नाउ। टोटल हमारे भारत के अंदर 8 क्लासिकल डांसेस हैं। नाउ फर्स्ट इज भरतनाट्यम, सेकंड इज कथक, थर्ड इज कथकली, फोर्थ इज कुचिपुड़ी, फिफ्थ इज मणिपुरी, सिक्स्थ इज मोहिनीअट्टम, सेवंथ इज ओडिसी एंड फिफ्थ एंड द लास्ट वन इज सत्रिया। इस सत्रिया के बारे में हमने रिसेंटली बात की, सत्रिया इज इन असम। ठीक है, अब देखिए द वन थिंग दैट विल बी आस्क्ड फ्रॉम यू इन प्रीलिम्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट रिमेंबर कि कौन कौन से आर्ट हैं जो कि हमारे क्लासिकल डांसेस हैं। सेकंड चीज, यू मस्ट रिमेंबर कि कौन सा डांस फॉर्म जो है वो कौन से स्टेट के अंदर किया जाता है। नाउ सत्रिया हमने देखा, सत्रिया इज फॉर्म्ड इन असम। ठीक है, ये इजी है। ऑलराइट, ओडिसी से क्या लगता है आपको? ओडिसी इज फॉर्म्ड इन ओडिशा, मतलब ओडिशा के अंदर ओडिसी किया जाता है। थर्ड चीज, मणिपुरी क्या लगता है आपको? मणिपुरी सिंपल मणिपुर। ठीक है, तो ये तीन तो बहुत ही सिंपल हो गए। सत्रिया आपने अभी पढ़ा असम के अंदर, ओडिसी यहाँ पर ओडिशा के अंदर, और मणिपुरी जो है वो मणिपुर के अंदर। जो बाकी है उसके हम स्टेट्स देख लेते हैं। फर्स्ट इज भरतनाट्यम, जस्ट रिमेंबर भरतनाट्यम इज डन इन तमिलनाडु। ठीक है, भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु के अंदर होता है। नाउ वी हैव कुचिपुड़ी। ठीक है, मैं आपको देखिए थोड़ा सा मैं आपको एक ऐसे तरीके से कराना चाहता हूं ताकि आपको याद हो जाए। सो वी हैव भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु के अंदर है, देन वी हैव कुचिपुड़ी। नाउ कुचिपुड़ी जो है ये हमेशा आंध्र के अंदर होता है। ठीक है, आंध्र के अंदर। सिमिलरली वी हैव मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम जो है हमारा वो केरला के अंदर होता है। नाउ केरला क्या देखिए, केरला के अंदर एक तो यहाँ पर मोहिनीअट्टम होता है, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव कथकली। नाउ कथकली जो है ये भी केरला के अंदर होता है। नाउ और कथक जो है वो यूपी के अंदर होता है। नाउ व्हाई आई डिड कथक एंड कथकली एट द एंड, बिकॉज ये दोनों कंफ्यूजिंग है, वन इज कथक एंड वन इज कथकली। जस्ट रिमेंबर जो छोटा वाला पोर्शन है यानी कि जो कथक है दैट इज डन इन यूपी। ठीक है, जो छोटा वाला है वो यूपी में किया जाता है, जो लार्जर वन है दैट इज डन इन केरला। ठीक है, अब देखिए फिर से समझिए, जो भरतनाट्यम है तमिलनाडु, कथक यूपी, कथकली केरला, यहाँ पर कुचिपुड़ी इज इन आंध्र प्रदेश, देन वी हैव मणिपुरी इन यहाँ पर जो हमारा मणिपुर है, देन वी हैव मोहिनीअट्टम यानी कि केरला। ठीक है, देन वी हैव ओडिसी यानी कि ओडिशा, एंड फाइनली वी हैव सत्रिया यानी कि असम। तो ये 8 क्लासिकल डांसेस हैं, एंड दिस बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ध्यान रखना है कि कौन से स्टेट के कौन कौन से डांसेस हैं, एंड मोर ओवर कौन कौन से डांसेस क्लासिकल डांस फॉर्म के अंदर है और कौन कौन से नहीं है। अब लेट्स कम बैक टू श्रीमंत शंकरदेव। ही वॉज अ वेरी मल्टीफेस्टेड स्पिरिचुअल गुरु जो कि 15th and 16th सेंचुरी के अंदर रहते थे, और देखिए एक उन्होंने कल्चरल एंगल के साथ साथ उन्होंने एक नेशनलिस्टिक जो नेशनलिस्टिक एंगल जो है वो भी असम के लोगों को दिया था, जहां पर उन्होंने नेशनलिस्टिक फर्वर जो है मतलब जो देशभक्ति का जो भावना है वो भी लोगों के अंदर काफी ज्यादा कूट कूट के भरा था। नाउ जस्ट रिमेंबर देखिए, जिस तरह वी हैव इन मॉडर्न हिस्ट्री वी हैव टॉक्ड अबाउट गुरु नानक देव जी, वी हैव टॉक्ड अबाउट गुरु नामदेव, वी हैव टॉक्ड अबाउट रामानंद, वी हैव टॉक्ड अबाउट कबीर, बासव, चैतन्य महाप्रभु, इन सब के बारे में हमने काफी ज्यादा मतलब रीड किया हुआ है। जस्ट रिमेंबर कि जैसे ये सब के सब ये ना देखिए भक्ति मूवमेंट के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोपोनेंट थे सबके सब, राइट। सिमिलरली असम के अंदर जो भक्ति मूवमेंट था दैट वाज एक्चुअली प्रपोज्ड बाय शंकरदेव। ठीक है, श्रीमंत शंकरदेव जो थे वो असम के अंदर उन्होंने भक्ति मूवमेंट को काफी ज्यादा स्ट्रांगली उन्होंने प्रैक्टिस किया था और उसको फैलाया था। ये था हमारा नेक्स्ट टॉपिक। आई होप आपको चीज प्रॉपर्ली समझ आ गई। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट वन। यहाँ हम बात करने वाले हैं दिल्ली साइंस इनोवेशन हब के बारे में। देखिए दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपको मेंस के आंसर वगैरह लिखने हैं। तो यूपीएससी देखिए प्रीलिम्स के अंदर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि कौन सा स्टेट ऑब्वियसली साइंस इनोवेशन हब को स्टार्ट कर रहा है, बट इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको हम प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। सेकंड चीज, इसको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए कि बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कि कौन से स्टेट ने रिसेंटली साइंस इनोवेशन हब बनाया है। जस्ट रिमेंबर इट इज दिल्ली। ठीक है, इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो देख लेते हैं। कॉन्टेक्स्ट आप समझिए, दिल्ली के अंदर रिसेंटली एक साइंस इनोवेशन हब बनाया गया, एक पर्टिकुलर स्कूल के अंदर बनाया गया, एक टाइप का टेस्टिंग सेंटर है। अगर ये चीज सक्सेसफुल होगी तो और भी स्कूल्स के अंदर इसको बनाया जाएगा। इसके अंदर ये बोला गया कि जितने भी मॉडर्न और जितने भी लेटेस्ट फैसिलिटीज वगैरह मतलब होगी वो सब चीजों को हम इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। जैसे कि देखिए बहुत सारे प्लेनेटेरियम्स वगैरह प्रेजेंट होंगे, बहुत सारी ऐसी चीजें प्रेजेंट होंगी जहां पर साइंटिफिक कल्चर को हम यहाँ पे और ज्यादा प्रमोट कर सकते हैं लोगों के बीच में, स्पेशली बच्चों के बीच में। नाउ दिस थिंग आपको ध्यान रखना है, द वर्ड बीइंग यूज्ड हियर इज स्कूल। यहाँ पर हम कॉलेज वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे यूनिवर्सिटी वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं। ऑल्दो अभी तक बहुत सारे इनोवेशन हब्स जो हैं वो स्कूल मतलब वो कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी लेवल पे बनाए जाते थे, बट फॉर द फर्स्ट टाइम यहाँ पे ये ऐसा जो हब बनाया गया है वो स्कूल लेवल बनाया गया है, एंड दैट इज बीइंग डन इन दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट चीज, अब जितने भी बच्चे वगैरह स्टूडेंट्स वगैरह हैं फ्रॉम क्लास 6, 7, 8 वो लोग भी अपने किसी भी टाइप के नीड्स को, जो भी उनके डिमांड्स वगैरह एजुकेशनल नीड्स वगैरह है, उस चीज को कंप्लीट कर सकते हैं, उस चीज को फुलफिल कर सकते हैं। अगर कोई पर्सन यहाँ पर साइंस के अंदर इंटरेस्टेड है वो डायरेक्टली जाकर इस पर्टिकुलर इनोवेशन हब के अंदर जाकर अपनी चीजों को बेसिकली सीख सकता है। नाउ एक चीज और समझिए, यहाँ पर एक बहुत ही क्वालिटी एजुकेशन प्रमोट किया जाएगा ताकि बच्चे जो हैं वो इजीली अपने स्कूल के आसपास में कोई भी चीज अगर वो साइंस से रिलेटेड कुछ सीखना चाहते हैं वो दे कैन इजीली गो एंड दे कैन इजीली लर्न। नाउ माना गया है कि इसको अराउंड 2.5 साल के अंदर 5 करोड़ रुपए में बनाया जाएगा, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें होंगी, जैसे कि दे विल बी ऑडिटोरियम, प्लेनेटेरियम, लाइब्रेरी, म्यूजियम, साइंस एंड टेक के बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स, आर्ट एंड मॉडल। पॉइंट ये है कि आर्ट एंड मतलब जो बेसिकली साइंस का जो फर्वर है उसको फर्दर इंक्रीज करने के लिए जितनी भी चीजें हैं उन सबको चीजों को एक जगह पर लाया जाएगा। नाउ दिल्ली का जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन वो चीज़, वो जो बॉडी है वो चीज़ को स्टार्ट कर रही है। और उन्होंने ये जो मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट है रिसेंटली दिल्ली टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन नाम की जो बॉडी है उसको ये दिया है कि आपको ये पर्टिकुलर स्कूल को डेवलप करना है। ठीक है, कहाँ पे डेवलप हो रहा है, नो वन इज गोइंग टू आस्क यू। नाउ यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल इन योर मेन्स एग्जाम्पल। ठीक है, मेन्स में जहाँ पर भी आपका फंडामेंटल ड्यूटीज का अगर आपका एग्जाम्पल आता है, ठीक है, जस्ट रिमेंबर कि फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में जब भी कोई क्वेश्चन आता है आपका, तो यू कैन डायरेक्टली एड योर पॉइंट। आप अपने जो क्वेश्चन है उसको एनरिच कर सकते हो बाय राइटिंग दिस पर्टिकुलर आंसर। बिकॉज क्यों? बिकॉज एज यू नो कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि आर्टिकल 51A का जो एच पॉइंट है, यानी कि जो 8 पॉइंट है, उसके अंदर ये बोला जाता है दैट इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पल, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज 3 to 4 वर्ड्स? देखिए, पहला वर्ड है साइंटिफिक टेम्पल, सेकंड वर्ड है व्हाट इज ह्यूमनिज्म, थर्ड वर्ड इज स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड फोर्थ इज रिफॉर्म। देखिए, इन चारों का मतलब कहीं ना कहीं मिलता जुलता है। मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ। साइंटिफिक टेम्पर का मतलब है यू शुड बी ऑलवेज रेडी टू लर्न न्यू थिंग्स। आपका जो टेम्पर है, मतलब आपका जो टेम्परामेंट है, आपकी जो चीज़ें समझने और सीखने की शक्ति है, वो साइंटिफिक होनी चाहिए। मतलब आप चीज़ों को क्वेश्चन कर सको, आप चीज़ों को यहाँ पर यू नो क्वेश्चन करो एक्चुअली। ठीक है, क्वेश्चन करोगे तो आपको अच्छे आंसर्स मिलेंगे। ठीक है, देन ओनली यू कैन बी सेटिस्फाइड। सेकंड चीज, देयर इज अ वर्ड कॉल्ड एज ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म का मतलब है यू शुड बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमैनिटी। नाउ साइंस हम पढ़ रहे हैं नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ रीडिंग, वी आर एक्चुअली लर्निंग फॉर द सेक ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स, राइट? तो ह्यूमनिज्म वहां पर हो गया। थर्ड इज स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। दिस टू आर एक्चुअली सिमिलर वर्ड्स जहां पर रेनेसां के बारे में बात की जा रही है। रेनेसां मतलब रिफॉर्मेशन, मतलब हमें अपने माइंड को कुछ इस तरीके से डेवलप करना है कि हमारा माइंड जो है डिफरेंट क्वेश्चंस वगैरह को कैच कर सके और उसके हिसाब से जो भी सॉल्यूशंस वगैरह है उसको हम फॉर्म कर सके। तो ये हमारा, आप समझिए कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उसके अंदर की चीज यहाँ पर डायरेक्टली मेंशन की गई है कि जो हमारे जितने बच्चे हैं उनका यहाँ पर जो साइंटिफिक टेम्पर है उसको डेवलप करना है। तो इसी चीज़ को यहाँ पर ध्यान में रखते हुए दिल्ली गवर्नमेंट ने इस चीज़ को बनाया है। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ल्ड क्लास साइंस एक्सपेरिमेंटल के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाएंगे, बहुत सारे एग्जीबिशन, बहुत सारे म्यूजियम्स बनाए जाएंगे। बेसिकली साइंस को प्रोपेगेट करना है, साइंस को फैलाना है, जो मॉडर्न कम्युनिकेशन है उसको और ज़्यादा बच्चों तक लेके जाना है ताकि बच्चे इस चीज़ को यूज़ कर सके और इसको प्रॉपरली यूटिलाइज कर सके। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सारे के सारे एडिटोरियल्स, सारे के सारे न्यूज़। आई एम सॉरी, आई होप आपको सारी चीज़ें प्रॉपरली समझ आ गई। नाउ आज से कुछ क्वेश्चन है जिससे आप ट्राई कर सकते हैं, इसके आपको आंसर्स देने। द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि वेयर इज द हेडक्वार्टर of IPCC located? Second question, true false के फॉर्मेट में है that IPCC is a part of United Nation Group. Third question is what are जो rain bombs होते हैं वो क्या होते हैं, which are recently seen in news. Fourth is which are the classical dances from the state of Kerala. Kerala के जो state है उसके अंदर से classical dances कौन से हैं? आपको याद रखना है, you don't have to name all the dances, you have to name the classical dances, जो कि हमारे अंदर टोटल 8 ही है। ठीक है, next is the phrase टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर हैज बीन एनश्राइन्ड इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आपको ये बताना है। ठीक है, ये कुछ आज के क्वेश्चन है। कल के क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन वाज व्हाट इज यूनिक अबाउट थियो मार्गरिटा मैग्निफिका। आपको याद है, थियो मार्गरिटा मैग्निफिका इज द लार्जेस्ट बैक्टीरिया दैट कैन बी सीन विद द ह्यूमन आई। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड इज मुधौल और राजपलाया, ये किस चीज की वैराइटीज है? तो आपको याद होगा दे आर द वैराइटीज ऑफ डॉग्स। ठीक है, डॉग्स की वैराइटीज है बेसिकली, और इसी पर्टिकुलर वैराइटीज को यहाँ पर बोला गया है कि सिक्योरिटी एजेंसीज अपने अपने प्रोटेक्शन के रूप में, मतलब यानी कि सिक्योरिटी के रूप में यूज करेंगे। थर्ड, नगर एंड मेहताज दे वर द डिवोटीज ऑफ विच गॉड। तो आपको याद होगा नगर शिव के डिवोटी थे और जो मेहताज थे वो कृष्ण के डिवोटी थे। ठीक है, तो हमने कल इसके बारे में काफी डिटेल के अंदर बात भी की थी। नेक्स्ट इज नेम द नेबर्स ऑफ यूक्रेन। देखिए, यूक्रेन जो है इस साल के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा हॉट टॉपिक है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है यूक्रेन के नेबर्स कौन कौन से हैं। नीचे वाला पार्ट यू नो दिस इज क्रीमिया। ठीक है, तो इसको क्रीमिया को छोड़ दीजिए, क्रीमिया बिकॉज यहाँ पर रशिया के अंदर है। नाउ एज वी नो कि जो ये मेन पार्ट है दिस इज एक्चुअली एंटायरली फॉर्म बाय रशिया। ठीक है, यहाँ पर जो नीचे वाला पार्ट है, ये बिल्कुल छोटा वाला पार्ट है, दिस इज मोल्दोवा। मोल्दोवा जो है यहाँ पर बिल्कुल छोटा सा प्रेजेंट है और यहाँ भी प्रेजेंट है। ठीक है, मोल्दोवा के अलावा दिस लार्जर कंट्री यहाँ पर रोमानिया है। ठीक है, जस्ट रिमेंबर रोमानिया। अब यहाँ पर देखिए, आप रशिया समझ गए, यहाँ पर रोमानिया समझ गए, रोमानिया के यहाँ पर बगल में देखिए वी हैव हंगरी। ठीक है, हंगरी भी यहाँ पर टच करता है डायरेक्टली। देन वी हैव पोलैंड। ठीक है, पोलैंड है यहाँ पर। सिमिलरली वहाँ पर हमारे पास यहाँ पर बीच में स्लोवाकिया है। ठीक है, स्लोवाकिया मतलब यहाँ पे पोलैंड है एंड फाइनली वहाँ पर टॉप पे हमारे पास बेलारूस है। तो आप समझिए वी हैव रशिया, वी हैव बेलारूस, वी हैव पोलैंड, वी हैव स्लोवाकिया, देन वी हैव हंगरी, रोमानिया एंड मोल्दोवा। नाउ देखिए, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है यूक्रेन का ना, आई हैव सीन पीपल डूइंग मिस्टेक इन मोल्दोवा। मोल्दोवा एक ऐसी कंट्री है जो कि बहुत ही छोटी सी कंट्री है और नॉर्मली ये मिस हो जाती है हमारी आंखों से। तो व्हाट यूपीएससी विल डू इज, देखिए यूपीएससी को पता है कि हर एक बच्चे को रशिया के बारे में पता है। एवरी पर्सन नोज अबाउट बेलारूस, एवरी पर्सन नोज अबाउट पोलैंड, स्लोवाकिया, सब जानते हैं। द क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड अबाउट इज मोल्दोवा। ठीक है, जस्ट रिमेंबर मोल्दोवा। मोल्दोवा वॉज द मेन रीजन क्यों मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मोल्दोवा इज अ डायरेक्ट नेबर ऑफ यूक्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज कि हुआसॉन्ग 12 और रिसेंटली सीन न्यूज इज व्हाट। आपको याद है नॉर्थ कोरिया का एक टाइप का बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि रिसेंटली उन्होंने टेस्ट फायर किया। एंड फाइनल क्वेश्चन वाज एक ट्रू फॉल्स का स्टेटमेंट है कि इंडिया इज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ एनपीटी। एनपीटी क्या होता है? नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। नाउ क्या ये एनपीटी का इंडिया मेंबर है? नो, इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ एनपीटी बिकॉज ऑब्वियसली एनपीटी की साइन करने से पहले इंडिया ने अपना एक कंडीशन रखा हुआ है कि जब तक यूएस, रशिया, फ्रांस, कनाडा ऐसी कंट्री जब तक वो अपने न्यूक्लियर को डिसआर्मामेंट नहीं करती तब तक हम इस चीज को साइन नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे मतलब जो हमारे बेसिकली जो एथिक्स है, हमारी जो मोरालिटी है उसके अगेंस्ट जाता है अगर हम डायरेक्टली एनपीटी को साइन कर लेंगे डिस्पाइट द फैक्ट कि रशिया और जो यूक्रेन है, मतलब रशिया जो यूएस है, इन सबके पास ऑलरेडी काफी सारा न्यूक्लियर मटेरियल रखा हुआ है। ऑलराइट, तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल, आई मीन आज का न्यूज और आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको सारी चीजें प्रॉपर्ली समझ आ गई होंगी। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।